गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। और ये देखिए, आज मैंने आपको छोंकते हुए नहीं दिखाया क्योंकि कड़ी आप सबको पता ही है कैसे बनती है, वही रेगुलर। इसमें मैंने छोंक नहीं लगाई है, वो मैं लगाऊंगी बाद में। और ये देखिए, इधर मैंने कड़ी छोंक दी थी, वो पक रही है। और ये देखिए, मैं हम लोग ना ये जो आरओ का वाटर है, ये देखिए पाइप गया होगा, 100 लीटर की ये टंकी है, हम लोग इसमें स्टोर करते हैं, जो कि हम पोछा लगाने में, बर्तन धुलने में, इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं, जिससे कि पानी बिल्कुल भी वेस्ट। तो मेरा खाना वाना उधर बन गया है, आज मैंने पहले खाना ही बनाया था। तो देखिए, जितने बर्तन थे मैंने सोचा चलो जितना निकलता जाए वो कर दूँ, और मैंने नहावा तो लिया ही है सब। उसके बाद मैं मशीन में कपड़े धुल दूँगी, इधर बच्चे बैठे हैं। मैं बाहर आई थी, मैं कुछ अभी मैंने बस ये जस्ट एक दो कपड़े डाले थे अपने धुल के, और अभी तो वॉशिंग मशीन में डाल रखे हैं क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक यूज़ करने लगे हैं, तो उसमें क्या होता है। और ये देखो बाहर क्या है, अभी लगातार मतलब कोई कमी नहीं हो रही है, लगातार लोग मतलब वेंडर्स ऐसे सब्जी वाले, ठेले वाले, फल वाले सब निकल ही रहे हैं। तो बाहर हम लोग को दिख गया टमाटर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मीन्स हमें तो ऐसे लगता है। प्याज वैसे तो चलो ठीक है, हम लोग क्या चल जाता है। तो ये देखिए भैया थे, टमाटर ले लेते हैं, 30 रुपये किलो है, सस्ते ही है हमें लग रहा है। तो ये देखिए टमाटर और बैंगन हम लोगों ने लिए थे, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि देखिए ये जो भैया हैं ये भी मास्क लगाए हुए हैं, और दूर से ही चीज़ें जो हो रही थी जितना भी था उस साइड खड़े थे। तो मतलब फिर आजकल ना मैं ये कपड़े धुलने के लिए एक बाहर हमारे बाथरूम में, घर के बाहर ही आप मान लीजिए, उसी में हम लोगों ने जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वो खड़ी कर रखी है, क्योंकि वो पानी वेस्ट नहीं होता है उससे, ये वाले कपड़े डेली के धुल जाते हैं, आजकल ज़्यादा काम नहीं रहता है। और इससे एक चीज़ ये अच्छी होती है कि अंदर लाने के पहले ही सब्जी बाहर से ही धुल जाती है, मतलब गेट के अंदर भी नहीं आ पाती, और बाहर ही हम लोग पूरे बाथरूम में उसी में यूज़ करते हैं। देखिए तो वही मैं कर रही हूँ कि जो भी हम लोगों ने बैंगन और टमाटर खरीदे थे तो वो सब वॉश करके ही अंदर ले जाऊँगी, और अंदर वो भी नहीं ले जाऊँगी, उसको थोड़ी देर धूप में रख दूँगी। यार क्या करें, सब लोग ही सुबह से, अगर आप कामों की गिनती करो ना तो सबके पास उतने ही काम वही काम होते हैं। तो ये देखिए लास्ट मेरा है लगभग, कपड़े जब मेरे धुल गए थे तो फिर मैंने ये सोचा चलो धूप में डाल दो, आजकल धूप में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनली मतलब 12:30 एक तो बज ही जाता है यार, सारे काम निपटाते तो सब निपट गए। खाना तो खैर कड़ी बनाई थी आज सुबह आपने देखा था, तो उसमें ना मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। कुछ लोग ना पहले ही, मीन्स अभी यूपी में क्या है, जब वो कड़ी छोंकते हैं तभी उसको मेथी दाने और उससे जिससे भी आपको छोंकना होता है उसे छोंक देते हैं, पर मैं जो तड़का है ना बाद में ही लगा रही हूँ, मैंने अपनी मौसी सास से सीखा है। तो इस तरीके में क्या करती हूँ, वो ना महाराष्ट्र वगैरह में रही है ना, तो कड़ी पत्ता का बहुत यूज करती थी, तो मतलब मेरे को भी आपसे पड़ गई है उनसे, ऐसे उनके साथ ऐसे रह के और खा के। तो खैर चलिए, तो मैं वही छोंकने जा रही हूँ। तो इस वाले पैन में मतलब जब आप तड़का लगाए ना कड़ी में, तो थोड़ा सा तेल ज्यादा रखिए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये देखिए मैंने इसमें कर दिया है, इसमें मैं क्या करूंगी, पहले डालूंगी थोड़ा सा जीरा, मतलब आप सब कुछ डालिए इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए डाला मैंने जीरा, इसमें डालो आप राई, घी, और फिर देखो मम्मी कह रही मिर्ची डालो पहले, कड़ी पत्ता और डाल देना। और ये देखिए मिर्ची, थोड़ा इसको पकने का वेट कर लेते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसमें ना आप लाल मिर्च और ऐड करिए तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है, रेड और किसी वाली लाल मिर्च और चटपटी सी हो जाती है, पर मैं इतना नहीं डालनी क्योंकि फिर मेरे बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो इस तरीके का आप तड़का लगाइए, ये देखिए पूरा होने के बाद ये ऐसे धीमे से हो जाएगा, और तेल देखते हो थोड़ा ज्यादा है तो ये इस तरीके से होगा। चलिए लगाते हैं इसको, तो दिखाने लगे हैं, ये बहुत ही एक अच्छी उपलब्धि है हमारे लिए। और चलिए देखते हैं हमारी कड़ी का क्या हाल है। ये देखिए इसको पूरा ऐसे ही डाल दो और इसी से चलाओ। ये देखो पूरे में एक तो आपका थोड़ा तड़का दिखने लगेगा, ये देखिए कितना कलर अच्छा आता है,
पूरा सा, और ये मिर्च का भी अलग आता है। ये देखिए जो तेल हल्का हल्का सा ऐसे ऊपर से दिखने लगता है ना, तो ये देखिए बस बच्चों की लग गई है थाली। कुकुम्बर अभी मैं दे नहीं रही हूँ उनको, बीटरूट देती हूँ, और ये देखिए लग गई है रोटी रखनी है। चावल आजकल कम दे रही हूँ उन लोग को क्योंकि डर लगता है मेरे को, तो चलिए। और बता मेरे सब दोनों बच्चों में देव की एक बात क्या अच्छी है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं होती है, वो अकेले खेल लेते हैं। इधर मैं लैपटॉप में काम कर रही थी, वो देखो मेरे पास आके बस खेल रहा है। और ये देखिए शाम की चाय, कानपुर में तो बिल्कुल ही शाम है, जैसे ही 4 साढ़े 4 बजता है ना सबको लगता है बस चाय 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 कहाँ है। और अभी एकदम फ्री हो गए हैं ना, फ्री तो हो ही गए हैं कह सकते हैं, सभी फ्री है तो खाना खाने के बाद सब ऐसे सो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कौन सी कितनी मेहनत करके आए हैं सब। तो चलिए इधर पन रही है मेरी चाय, बज रहे हैं शाम के 5, 5 सवा 5 बज रहे हैं, और बर्तनों का इधर देख के ना मतलब बर्तन धुल धुल कैसे लग रहा है, हाथ ही घिस जाएंगे। ये देखिए पूरे बर्तन पूरे, ये देखिए कढ़ाई वढ़ाई सब रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ नहीं यार पहले चाय पी लेते हैं आराम से बैठ के और फिर करते हैं। और बिस्किट भी हम मैंने दिखाया था मेरे को, शायद बिस्किट भी खत्म हो गए, एक दिन मेरे को सब साफ करना है, बिस्किट ना कुछ ही बचे हैं। ये देखिए ओनली दिस मच इज लेफ्ट, तो पहले चाय पीते हैं, बच्चों को कुछ खिलाते हैं, इवन बच्चों को भी चाय वो दूंगी, चाय नहीं देती हूँ वो दूध दे रही हूँ आजकल हल्दी वाला, जब भी वो ऐसे पीते हैं ग्लास से तो हल्दी वाला दूध देती हूँ, तो उनको दूध दूंगी, और उसके बाद उनकी भाई मैं स्प्राउट वाला नाश्ता या कुछ फ्रूट्स कट करूँगी। चलिए छानते हैं। और आप सब भी ऐसे ही डेली रूटीन निकल जाता होगा रोज, फिर चाय के बाद सुस्त होगी, आप क्या बनेगा क्या रात में होगा। ये है मेरे बच्चों का दूध, आजकल मैंने बोला ना कि मैं जब सुबह शाम देती हूँ थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। आज तो पता है आज हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मतलब मैंने फर्स्ट टाइम वो ट्राई किया था केक, अरे क्या है देव को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे को आता ही नहीं, आज तक मैंने बनाया ही नहीं है, एक्चुअली मैंने ट्राई भी नहीं किया था, और देव को बहुत पसंद है वो, पता है उसमें बना हुआ है ना, मैं जैसे आपको दिखाती हूँ, जैसे ये हमारा है तो इसमें ये बना हुआ है, ये ओवन है हमारा तो इसमें ये बना हुआ है, तो बस जब भी आएगा ना तो कहेगा मम्मा मेरे लिए केक बना देना, तो आज मैंने सोचा देखें तो हमारे पास सारे इन्ग्रीडियंट्स भी नहीं थे, फिर मैंने ऐसे ही नेट पे सर्च वर्च किया देखा, तो उसमें क्या है मैदा की मतलब मैदा बिस्किट और चॉकलेट वही हर्षे के सूप से मिला मिला के कुछ तो बन रहा था, तो मैंने ट्राई किया और ये देखो कैसा हुआ, मतलब इसकी स्मेल सही आ रही है, ये जो हमने टॉपिंग करी है मैंने गलती कर दी उसी टाइम कर दी है, अगर मैं ये बाद में करती जब ये निकल जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ मतलब वैसे स्पंजी सही बना है एकदम, थोड़ा सा उसमें चाहिए एक्चुअली, हम लोगों ने जो बाउल यूज़ किया है वो भी हम लोगों ने थोड़ा सा गलत यूज़ कर लिया है, बाउल एक्चुअली हम लोगों ने ये वाला यूज़ कर लिया, ये वाला नहीं यूज़ करना था, बट ये है कि एक बार के बनाने से हम लोग को समझ में आ गया है कि कैसे क्या है और कैसे करेंगे। और ये देखो ये भी पीयूष रख गए थे वहीं से कोरिया से, तो खैर चलिए, तो मतलब स्पंजी सही है, चलो मैं दिखाती हूँ आपको कि ये एक्चुअली क्या है, मैंने जो हर्षेस का सूप डाला था ना वो पहले ही डाल दिया था, या शायद मैंने सही से नहीं डाला होगा, तो कोई बात नहीं यार ये फर्स्ट टाइम ट्राई है मतलब, लेकिन ये चीज़ आप देखिए जैसे जब मैं ये कट कर रही हूँ ना, तो आप ये देखिए ये चीज़ सही आई है, आप अगर ऐसे अंदर से देखोगे तो ये कुछ भी नहीं चिपक रहा है और एकदम वैसे ही सॉफ्ट है, तो अभी गर्म है इसलिए मेरे को लग रहा है, ये देखो आप आराम से आप तोड़ो अंदर से एक एक चीज़ पक गई है, तो ये चीज़ अच्छी है, मीन्स अब अगले नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी और पूरे इन्ग्रीडियंट्स के साथ ट्राई करूँगी और फिर आपको बताऊँगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इसी लॉकडाउन के बीच ना एक अच्छी चीज़ हुई है, एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि रामायण शुरू कर दी गई है फिर से, और रामायण शुरू करने से क्या हुआ ये देखिए मेरी और नलाय की फ़ोटो, ये एक फ़ोटो मैं दिखाती हूँ आपके लिए होगी, बीच में ही बात अधूरी रह गई, हम लोग जब कश्मीर गए थे, ये देखिए वो पसंद है मेरे को ये फ़ोटो। खैर चलिए तो है कि बहुत अच्छी बात ये हुई है कि 9 बजे से ना मैं इन सबको बिठा देती हूँ, सब मतलब मम्मी पापा बच्चे सब बैठे और सब देखो रबा देखो, तभी ना वहीं पर बैठ के खाना वाना इन लोगों ने खा लिया है, कुछ खा रहे होंगे सब वहीं बैठ रहे हो, मैं यहाँ बैठ के ना वो कुछ अपना काम कर रही थी, मीन्स मेरे को कुछ स्कूल का करना था कुछ वीडियोस, तो बस सब इसी में है, मैं बिजी हूँ दिखाती हूँ आपको। चलिए जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है उसी सामान्य मानव के रूप में मैं
अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। हे गाइस, और पता नहीं कैसी आदत पड़ती जा रही है, क्योंकि रोज़ सुबह वैसे तो क्या स्कूल के लिए जगना पड़ता था तो फिर जल्दी सो जाते थे, अभी तो ऐसा हो रहा है कि नींद ही नहीं आती है। थोड़ा सा दिन में भी लेट जाओ और वही ना, टायर्ड नहीं होते ऐसे, कुछ रूटीन नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि अभी सुबह जाना है, और अभी बज रहा है रात का 1 और हाँ मैं जग रही हूँ। और मैं देख रही थी असुर, एक वेब सीरीज़ पूरी आई है ना, तो वो असुर देख रही थी, उधर दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो ये दोनों सो रहे थे तो मैं लेट गई थी ऐसे देखने लगी थी, फिर अब मेरे को अभी भी नींद नहीं आ रही है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम रात में क्या होती है, कि आप जितनी देर तक जगोगे ना उतना ही आपको भूख लगने लगती है। तो रात के 1 बजे मैंने बनाई है मैगी, और मैं चुपचाप से ना ये चुपचाप से पूरा पैन ही उठा के ले आई हूँ, क्योंकि उधर पापा सो रहे हैं ना, फिर आवाज़ आएगी तो फिर गुस्सा करेंगे, अरे सब रात में क्यों, जानते हो ना आप लोग, क्योंकि एकदम टाइम से सो जाओ टाइम से उठो उस तरीके का हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि मैगी मेरी ठंडी हो गई है कि नहीं, और आप लोग भी खाइए। और रात में तो एकदम मस्त होता है अगर इसके साथ चाय मिल जाती, बट अभी मैं चाय नहीं बना सकती थी क्योंकि आवाज़ आती, तो चलिए मैं बाद में खाऊंगी और देखती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल। और आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।